सुनो बलराम, अरे एक मिनट ऑक्सीजन तो बंद। धुआं हुआ, इसके बाद मैं बोले कि आग लग गया, आग लग गया, तो सब भागने लगे, तो हम लोग भी भागे। कितने लोग बचे थे यहाँ पे? कम से कम 100 लोग थे इधर जी। समय रहते हुए भाग गए, धुआं ही धुआं हो गया पूरा रूम में, आग भी लग गया था पूरा। बोले सिस्टर बोले भागो भागो, भाग गए फिर हम लोग। जी सर, बहुत बड़ा हादसा टल गया। कैसे मालूम चला था कि आग लग गई वहाँ? हम पता ही नहीं था, कुमला लग था, पता ही नहीं था भाई। भैया नहीं ऐसी हम तीर में जुए रहे, बोली नहीं ना तुम अकेले निकली नहीं आई मन से। हम देखे हैं ना तेरा तुम्हारा तो निकली है ना अंधर मुंधर आज डेरा ना छाड़। हम तो मरी। आप कितनी दूर आग लगी थी आप जहाँ भरती थे? हम भरती यहाँ हमारे पलंग अरिया पटी जुए लगी सी आग ही। हाँ जम से लगे रहे। अब जम से लगे का छुधुआ है सी मस्त। तो हम निकले हम से नहीं भाई, हम तो सो रहा नहीं से हमारी जन। हाँ तुम पास की जल्दी में करा है से मालूम नहीं चल पाता तो मालूम ना चलते भैया तो फुट फुट की पहले अस्पताल चौकी के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि अस्पताल में एक निर्माणाधीन वार्ड था जिसमें किसी अज्ञात कारणों से आग फैल गई है। तो तत्काल मौके पर पहुंचे हम लोग और तत्काल उसको फायर ब्रिगेड को बुलाया गया तथा आग में काबू पाया गया। क्या देखा आपने? हाँ, अफरा तफरी मची हुई थी, लोगों को कंट्रोल किया, समझाया उन्हें, किनारे किया और किसी भी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी स्थिति अभी कंट्रोल में आ गई है। वहाँ को पहले से अपन ने खाली करा लिया था पर वहाँ तक आग नहीं फैल पाई, उसकी जानकारी अभी मैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर लेता हूँ। हालांकि हमने जितने भी थे वो खाली करा लिए गए हैं उनको। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।